हेलो नमस्ते, स्वागत है दोस्तों आप सभी का चैनल सिविल टेक्निक्स में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है टास्क वर्क पर डे बाय डिफरेंट आर्टिसियन और लेबर एज पर ऑल इंडिया शेड्यूल ऑफ रेट्स। मतलब कि आज जो मैं बताऊंगा ये चीज़ बताऊंगा कि एक कुली पर कारपेंटर एक दिन में कितना काम कर सकता है, अप्रोक्सीमेट कितना काम कर सकता है। तो आज मैं दो यूनिट में बताऊंगा, क्यूबिक मीटर में भी बताऊंगा और क्यूबिक फीट में भी बताऊंगा। तो बस आप लोग अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सिविल टेक्निक्स का हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं अब आगे। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हो टास्क वर्क पर डे बाय डिफरेंट आर्टिसियन और लेबर एज पर ऑल इंडिया शेड्यूल ऑफ रेट्स। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सीरियल नंबर लिख दिया हूँ, आइटम्स लिख दिया हूँ, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी पर डे मतलब कि अप्रोक्सीमेट कितना काम कर सकता है एक दिन में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन इसका वेशन इन ऑर्डिनरी सोयल। वेशन में जो काम करेगा ऑर्डिनरी सोयल के लिए वो 3 क्यूबिक, अगर क्यूबिक मीटर का बात करें तो ये 3 क्यूबिक मीटर काम करेगा एक दिन में। और क्यूबिक फीट के बात करें तो 100 क्यूबिक फीट काम करेगा एक दिन में पर कुली। नेक्स्ट है इसका वेशन इन हार्ड सोयल, जो हार्ड सोयल का काम करेगा वो 2 क्यूबिक मीटर एक दिन में करेगा और 75 क्यूबिक फीट एक दिन में करेगा पर कुली। नेक्स्ट है इसका वेशन इन रॉक, वो जो काम करेगा वो 1 क्यूबिक मीटर काम करेगा एक दिन में और 35 क्यूबिक फीट काम करेगा एक दिन में पर कुली। नेक्स्ट है सैंड फिलिंग इन प्लिंथ, सैंड फिलिंग का काम है वो एक दिन में कम से कम 4 क्यूबिक मीटर काम कर लेगा। और बात करें क्यूबिक फीट में तो 140 क्यूबिक फीट एक दिन में काम करेगा पर कुली काम करेगा। नेक्स्ट है ब्रिक वर्क इन सीएम अप टू प्लिंथ लेवल, तो प्लिंथ लेवल तक जो ब्रिक वर्क करेगा वो 1.25 क्यूबिक मीटर काम करेगा एक दिन में और क्यूबिक फीट में तो 45 क्यूबिक फीट काम करेगा एक दिन में पर मेसन। मतलब एक मेसन का मैं जो आज बता रहा हूँ वो एक मेसन की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगर बात करें इसी ब्रिक वर्क का सुपर स्ट्रक्चर का, तो सुपर स्ट्रक्चर के लिए वो 1 क्यूबिक मीटर काम करेगा और 35 क्यूबिक फीट काम करेगा एक दिन में पर मेसन। नेक्स्ट है रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क, तो रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क काम करेगा वो 1 क्यूबिक मीटर काम करेगा और क्यूबिक फीट में बात करें तो 35 क्यूबिक फीट पर मेसन। नेक्स्ट है ब्रिक बैट कंक्रीट इन फाउंडेशन, फाउंडेशन के लिए जो ब्रिक बैट कंक्रीट होता है वो करेगा वो 10 क्यूबिक मीटर काम करेगा एक दिन में, 350 क्यूबिक फीट काम करेगा पर मेसन। वैसे अगर नेक्स्ट है सीमेंट कंक्रीट, अगर सीमेंट कंक्रीट के बात करें तो 5 क्यूबिक मीटर काम करेगा और क्यूबिक फीट में 175 क्यूबिक फीट पर मेसन एक दिन का। नेक्स्ट है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वर्क, तो ये 3 क्यूबिक मीटर काम करेगा एक दिन में, अगर क्यूबिक फीट में बोले तो इसको 125 क्यूबिक फीट पर मेसन काम करेगा। नेक्स्ट है 20 mm थिक सीमेंट कंक्रीट फॉर डीपीसी, जो डीपीसी के लिए काम करेगा वो 12.5 स्क्वायर मीटर काम करेगा एक दिन में और 125 स्क्वायर फीट, ये स्क्वायर मीटर में है और ये स्क्वायर फीट में, तो 125 स्क्वायर फीट पर मेसन काम करेगा। नेक्स्ट है 25 mm थिक सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग के लिए, तो जो फ्लोरिंग के लिए काम करेगा वो 12.5 स्क्वायर मीटर काम करेगा एक दिन में और क्यू स्क्वायर फीट की बात करें तो 125 स्क्वायर फीट पर मेसन काम करेगा, जो डीपीसी के लिए और फ्लोरिंग के लिए सेम सेम ही काम करेगा। नेक्स्ट है 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टर ऑन ब्रिक वर्क, जो ब्रिक सीमेंट प्लास्टर का करेगा वो 10 स्क्वायर मीटर काम करेगा एक दिन में और 100 स्क्वायर फीट काम करेगा पर मेसन। नेक्स्ट है 6 mm थिक सीमेंट प्लास्टर ऑन आरसीसी सीलिंग, ये जो काम करेगा इसमें ये 10 स्क्वायर मीटर काम करेगा एक दिन में और 100 स्क्वायर फीट काम करेगा एक दिन में पर मेसन। 12 mm थिक का सीमेंट प्लास्टर का ब्रिक वर्क है और 6 mm थिक का प्लास्टर का जो आरसीसी सीलिंग है
इसका वर्क एक दिन में सेम ही करता है, ये भी 10 स्क्वायर मीटर, ये भी 10 स्क्वायर मीटर एक दिन का। तो नेक्स्ट है पॉइंटिंग विथ सीमेंट मोटार, जो सीमेंट मोटार से पॉइंटिंग करेगा वो एक दिन में 15 स्क्वायर मीटर काम करेगा। वैसे ही अगर स्क्वायर फीट की बात करें तो 150 स्क्वायर फीट एक दिन में पर मेसन काम करेगा। नेक्स्ट है वुडेन डोर, वुडेन डोर्स एंड विंडोज, जो डोर होता है और विंडो होता है वो एक दिन में एक कारपेंटर 0.15 स्क्वायर मीटर काम करेगा। वैसे ही अगर स्क्वायर फीट की बात करें तो 15 स्क्वायर फीट एक दिन में पर कारपेंटर काम करेगा। वैसे नेक्स्ट है बैटन डोर्स एंड विंडोज, जो बैटन डोर्स और विंडोज होता है उसके लिए वो 0.8 स्क्वायर मीटर काम करेगा एक दिन में, और 80 स्क्वायर फीट काम करेगा एक दिन में पर कारपेंटर। नेक्स्ट है जो स्कैफोल्डिंग के लिए काम करता है, स्कैफोल्डिंग कॉस्ट फॉर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, ये 0.5 पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क काम करेगा। तो नेक्स्ट है टिम्बर फार्मिंग ऑफ सैग, साल और टीक वुड, जो टिम्बर फार्मिंग करता है, टिम्बर फार्मिंग का काम, वो एक दिन में 0.07 क्यूबिक मीटर काम करेगा। और क्यूबिक फीट की बात करें तो 2.5 क्यूबिक फीट एक दिन में पर कारपेंटर काम करेगा। सैग सैल और टीक वुड का बात हुआ। अभी ये नेक्स्ट है कंट्री वुड, जो कंट्री वुड जो काम करेगा वो एक दिन में 0.15 क्यूबिक मीटर काम करेगा, और क्यूबिक फीट में 5 क्यूबिक फीट पर कारपेंटर एक दिन में काम करेगा। बस आज का वीडियो यही था, कि यही बताना था कि एक दिन में मिनिमम कितना काम कर सकता है पर मेंबर, पर कुल्ली या बोलो पर मेसन बोलो या फिर पर कारपेंटर बोलो, कितना काम कर सकता है एक दिन में। तो वो डाटा आज मैं बता दिया। बस उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि सिविल टेक्निक्स का हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।